गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा जगह जाने वाले हैं, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है। तो चलिए चलते हैं और आपको लोकेशन पर पहुंच के लोकेशन का नाम बताते हैं। तो गाइस, फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं घाटशिला की ओर और बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनने जा रहा है। और मेरे सामने देख सकते हो पहाड़ का सब व्यू, सब बहुत ही अल्टीमेट व्यू सब है। तो चलिए चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी इस जर्नी को। तो गाइस, हम लोग अपने घर से निकले थे 11:30 बजे और धूप काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग को बहुत डिस्टेंस कवर करना है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। तो गाइस, सबसे अच्छा बात यह है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको इस रोड पे और रोड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो अच्छा लग रहा है राइड करने में। तो अभी हम लोग को और थोड़ा डिस्टेंस कवर करना है, थोड़ा हम लोग को 1 घंटा टाइम लगेगा, तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो गाइस, जब हम लोग NH-18 का टोल प्लाजा को क्रॉस करने वाले हैं, लोकेशन ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइस, हम लोग को बुरुड़ी लेक पे व्लॉग बनाना है, तो यही हम लोग का लोकेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, बहुत ही अल्टीमेट सीन सब देखने को मिलेंगे। गाइस, चलिए चलते हैं आगे। गाइस, हम लोग बुरुड़ी डैम पहुँचने वाले हैं, बुरुड़ी लेक। यही रास्ता है। आप देख सकते हो कितना मस्त लोकेशन है वाला, आसपास का बहुत ही मस्त लोकेशन है और हरा भरा खेत भी है, सामने पहाड़ भी है, मस्त लोकेशन है। तो गाइस, हम लोग अपने लोकेशन से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बस हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट ब्लॉग बनने जा रहा है, बेस्ट ब्लॉग बनने जा रहा है। गाइस, ये जो रास्ता है ना, थोड़ा कच्चा रास्ता है, ये थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन व्यू आपको बहुत देखने को मिलेगा, एक से बढ़कर एक व्यू से आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आके आपके का दिल खुश हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बहुत ही अच्छा लोकेशन है घूमने फिरने के लिए। ये तो बस शुरुआत टाइम है लोकेशन पे, और ये नमन में का थर्ड टाइम है लोकेशन पे।
बढ़िया से यहाँ पर करके एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम हैं ब्रूडी लेक पे और ये नमन भी पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरे साथ। खाली खाली है, अच्छा लग रहा है दिखने में। धूप बहुत तेज है, बाप रे बाप, हालत पंचर हो जाएगा क्या नमन भैया? यस बिल्कुल, दोपहर का टाइम भी है लेकिन मस्त लोकेशन है। पीस क्या नमन भैया? पीस यस। देख रहे हो मतलब पहाड़ का बीच पास वाला व्यू मस्त है। एक बात तो कहना पड़ेगा गाइस, यहाँ आके मतलब बहुत ही शांति लग रहा है, एकदम पीस बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा लोकेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। अगर कंपेयर करें छोटा बांग की डिमना डैम ये डिमना लेक, तो फार फार बेटर है बुरुडी लेक, सबसे बेस्ट लोकेशन है यहाँ का। तो गाइस फिलहाल हम लोग नीचे साइड आ गए हैं और पास से देखने के लिए लेक को, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को आने में तो लेट हो गया, बहुत धूप धूप हो गई है। अगर अर्ली मॉर्निंग आया जाए या फिर विंटर के टाइम आया जाए ना, तो बहुत ही बेस्ट जगह है ये एक्सप्लोर करने के लिए। और फिलहाल नमन भैया ये जगह को बढ़िया से एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्यू सबको इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है आके यहाँ पर हम लोग को। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, मतलब ये व्यू सब कैसा लग रहा है और व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो सबसे अच्छा कमेंट रहेगा वो मैं अपने चैनल पे पिन करूँगा उसको। पहले इस जगह पे ना बहुत गंदगी रहता था, अभी तो फिर भी साफ है, लेकिन भाई साहब व्यू अल्टीमेट व्यू है, इधर देख सकते हो मतलब पूरा ट्रीज व्रीज पूरा भरा हुआ है और जस्ट उसके सामने ये व्यू, अल्टीमेट लोकेशन ब्रो, अल्टीमेट लोकेशन, बहुत ही बढ़िया व्यू है। हालांकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन ये व्यू। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मस्त है व्यू। देख सकते हो गाइस मेरा पीछे का व्यू, अल्टीमेट व्यू है, सब मस्त लग रहा है व्यू सब। नमन भैया बोला अगर बोट चलते तो हम लोग ले चलते, ये वाला अगर बोट अगर चलता ना तो बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है तो पता नहीं क्या। चलते हम लोग आगे तक, अभी बहुत यहाँ से घूम के अगर आ भी गए तो यहाँ पे ऐसे आप बैठ सकते हो, वहाँ सामने में खाना वाना का भी ऑप्शन है, मतलब ढाबा स्टाइल फिश व्यू सब खा सकते हो, आइसक्रीम उसक्रीम सब अवेलेबल है। लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, बस एक ही चीज़ का है ना कि गर्मी बहुत है, क्या नमन भैया? गर्मी हालत ख़राब कर दे रहा है, क्योंकि हम दोपहर में आए भी हैं लेकिन मैं आया था यहाँ पे सुबह के टाइम भी आया, मैं शाम में भी आया हूँ, तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और लोकेशन तो अच्छा है, आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। विंटर मानने आया एक बार, विंटर और इसका एक तो मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा मौसम उस टाइम। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा यहाँ पे, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने घर की ओर निकलते हैं। तो अच्छा लगा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, फिर कभी आएंगे, इस बार शाम तरफ आएंगे, कुछ प्लान नहीं बनता ना, सडन प्लान बनता और हम लोग सडन आ जाते, क्या नमन भैया? तो फिलहाल नमन भैया आप शॉर्ट्स में आया, हमको भी आना चाहिए था शॉर्ट्स में, खैर कोई नहीं, चलिए अब चलते हैं घर की ओर। चलिए नमन भैया बोट लेके चलते हैं।